यार, ओहो, बच गया, नहीं तो अनाथ हो जाता। देखो कितना बड़ा है, कोई बात नहीं। तो हेलो एवरीवन, आप लोग दिख रहे हैं डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे है मेरे पास एक ओवन और एक माइक्रोवेव ओवन। दोनों में डिफरेंस आपको पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट में बताना। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है एक स्नो स्प्रे और सेविंग फोम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो बताने की क्या बात, सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में और ओवन में इन दोनों को रखने पर क्या होता है। क्या कुछ भी नहीं होगा या फिर आग लग जाएगी, वो तो करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलिए करके देखते हैं, लेकिन बिल्कुल भी घर पर ट्राई मत करना, आप लोग जल सकते हैं या फिर नुकसान हो सकता है आपका। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं इस ओवन में। तो इसे हम लोग 250 डिग्री पे सेट कर देते हैं और टाइम लगा देते हैं और कुछ समय बाद इसको रेड हॉट होने तक छोड़ देते हैं। और हमारा ओवन हो गया है रेड हॉट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भरेंगे क्या, अपना सेविंग फोम। तो इस ट्रे में लेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं आ गया कि सेविंग फोम का क्या होगा, यह भाप बन के ऊपर उड़ेगा या फिर फैल के ज्यादा हो जाएगा, वो तो करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो इतना सेविंग फोम तैयार है, देखते हैं ये बढ़ेगा या फिर डायरेक्ट घटेगा। तो हमारा सेविंग फोम पहले बढ़ा काफी तेजी से और फिर घट गया। तो यहाँ पे मैंने उसका टाइम लैप्स आपको दिखा दिया, जो कि देखने में काफी अमेजिंग था। अब बारी है हमारे स्नो स्प्रे की, और इसको तो मैं जब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक इसमें खुद से आग नहीं लगती। एक दो बार लाइटर से भी लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये भी कोशिश रहेगी कि खुद से भी आग लग जाए। तो फाइनली एक बार खुद से आग लग ही गई, लेकिन कुछ ज्यादा भयानक नहीं थी। यहाँ पे हम लोग कुछ और कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कई सारे अटेम्प्ट किए, उनमें से एक अटेम्प्ट में खूब भयानक और बहुत तेज से आग लगी थी, जिसमें तो मजा ही आ गया। तो कुछ ऐसा हुआ जब भी हमने ओवन में स्नो स्प्रे और सेविंग फोम को डाला। अब इसकी बारी तो हो गई है, इसे बंद करके रख देते हैं। अब बारी है हमारे माइक्रोवेव ओवन की, लेकिन यहाँ पे एक आ गई बहुत बड़ी दिक्कत। दिक्कत क्या है कि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो दिखे कि जब मैं माइक्रोवेव के अंदर सेविंग फोम और स्नो स्प्रे को डाला हूँ और माइक्रोवेव को ऑन करता हूँ तो कुछ तो दिखे, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन इतना भयानक है कि सीधा मोबाइल ही दिख रहा है। अगर अंदर कुछ खतरनाक होता है तो एटलीस्ट कुछ दिखे, इसलिए मैं इस नए माइक्रोवेव ओवन को हटा के यहाँ पे पुराना यूज करने वाला हूँ, ताकि अगर कुछ हो तो नज़ारे मिस ना हो। तो इस नए को रखते हैं किनारे और पुराने में डालते हैं स्नो स्प्रे और जिलेट सेविंग फोम को, ताकि अगर कुछ हो तो एटलीस्ट दिख तो जाए। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग
इस नस्प्रे को माइक्रोवेव ओवन में पकाएंगे, देखेंगे इसमें आग लगेगी या नहीं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें आग लगेगी या नहीं। मैं वीडियो को काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। तो 30 सेकंड के बाद इसमें कोई आग नहीं लगी, हालांकि हमारा जो स्नो स्प्रे है काफी गर्म हो गया है, बहुत गर्म है। आप लोग अगर किसी नॉर्मल तरीके से इस स्प्रे को गर्म करने की कोशिश करते तो शायद वो उड़ जाता, गर्म तो ना होता, लेकिन इसमें गर्म हो गया है। अब की बार हम लोग इसे पूरे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो 1 मिनट हो चले हैं और ये तो बाहर निकल आया, ये देखो। तो कुछ ऐसा हुआ जब भी हमने स्नो स्प्रे को गर्म किया माइक्रोवेव में। अब बारी है सेविंग फोम की, देखते हैं ये भी थोड़े से ज्यादा होगा कि या फिर उतना ही बना रहेगा। इसे भी हम लोग करीब 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, 2 मिनट के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था और ये देखो, तो यहाँ पे जो हमारा सेविंग फोम है वो ज्यादा फैला नहीं, हालांकि लसलसा बहुत हो गया है। ऐसा हुआ सेविंग फोम को माइक्रोवेव करने पर। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना।